गर्मियों का बेहतरीन इलाज, ये देखिए ये मैंगलो सी है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से मैंगो लस्सी बना सकते हैं घर में ही। मैंगो लस्सी बेसिकली क्या है, गर्मियों का एक बेहतरीन ड्रिंक है। ठीक है, आप आम के साथ दही और बाकी सब चीजें जो होती हैं वो आप इजीली ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए कर्ड, दही। ठीक है, आपको 200 से 400 ग्राम, जितने आपको लस्सी पीनी है, एक ही बंदे को लस्सी पीनी है, उसके 200 ग्राम काफी है। ये मैंने 2 से 3 बंदों के लिए बनाना है, तो उसके लिए मैंने 400 ग्राम कर्ड लिए। कर्ड लिया मैंने आम, कटा हुआ आम, इसको मैं ग्राइंड करूंगा। दूध लिया है मैंने, ये चीनी है, चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया पहले ही। आप चाहे तो चीनी को नॉर्मल डाल सकते हैं, फिर बाद में फेंट सकते हैं, मैंने इजिली घुल जाए जल्दी, तो उसके लिए मैंने चीनी को ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, बर्फ और थोड़ा सा पानी। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, हम घर में जब भी कभी भी लस्सी बनाते हैं तो हम बेसिकली जूसर का या ग्राइंडर का यूज करते हैं, पर एक्चुअली हम लोग पंजाबी हैं और बेसिकली मेरा ये मानना है कि अगर आप इस मथाणी से, मथाणी बोलते हैं हम इसको जिससे साग घोटा जाता है या फिर कोई भी चीज घोटी जाती है, उससे आप दही लस्सी बनाएं तो वो उसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं दही के वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप इस मथाणी से बट करके मक्खन में निकालेंगे तो उस मक्खन में ठंडक ज्यादा होती है और काफी प्योर रहता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करेंगे, जो आपकी दही है, दही को हम इस पतीले में डाल लेंगे। ठीक है, ये सारी दही हमने डाल ली। ये दही डालने के बाद हम इसको फेंट लेते हैं, आप चाहे तो दोनों हाथों से इसको फेंट सकते हैं। ठीक है, दोनों हाथों से अच्छे से फेंटना है आपको इसको। आप देखेंगे जैसे कि इससे मैं फैट रहा हूं मधानी से, तो अच्छे तरीके से फैट रही है। आप चाहे तो मिक्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर आपको अगर हेल्थी ड्रिंक चाहिए गर्मियों के हिसाब से तो आप इससे ये बच्चे की लक्कड़ की बनी है और दही की जो मिनरल्स होते हैं उसको इंक्रीज कर देती है। पुराने जमाने में इसी का यूज किया जाता था लस्सी बनाने में, अब तो हालांकि मिक्सी आ गई है तो लोग वो यूज करते हैं। अगर आप घर में है ये मधाणी तो आप इससे लस्सी बनाइए। ठीक है, अच्छे से जब आप इसको अपनी दही को फैट लेंगे ऐसे, देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से फैट लीजिए। अच्छी तरह से फैटने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो आम है, आम के अपने छोटे छोटे पीसेस कर रखे हैं, इसको आप ग्राइंडर में अच्छी तरह से चॉप कर लीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ठीक है, ये मैं जो है आम डाल रहा हूं उसमें अपने ग्राइंडर में। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, आम मैंने अपने ग्राइंडर में डाल दिया। ठीक है, ग्राइंडर में डालने के बाद आपको उसको ढक देना है। ठीक है, ढकने के बाद ठीक है आपको उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, मैं इसको ग्राइंड कर देता हूं। ये देखिए मैं इसको ग्राइंड कर रहा हूं अच्छे से। ये देखिए आम जो है अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका होगा। ये देखिए, अगर आप चाहें तो आम को भी इसी से ही ग्राइंड कर सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा, और आप चाहें तो लस्सी को भी इसमें फेंट सकते हैं इसी ग्राइंडर में, पर बेसिकली मैं प्रेफर करता हूं कि इसी से ही आप ऐसे ऐसे करके दोनों हाथों से जो है परफेक्टली अपनी लस्सी बनाएं। गांव में अगर आप जाएं या किसी पंजाब साइड जाए तो आपको बेसिकली इसी चीज से आपको लस्सी जो बना के देंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और जो नेचुरल पावर होती है लस्सी की, वो कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए धीरे 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 हम लस्सी को मथ रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, जब लस्सी मत जाए तो उसमें आप दूध डाल लीजिए। ये दूध डाल लिया हमने इसमें। ठीक है, दूध डालने के बाद थोड़ा सा ऐसे मथिए। ये
भैया धीरे धीरे बताने से क्या होता है कि इसकी जो लस्सी की टेस्ट है वो भी अच्छा इम्प्रूव हो जाता है। ठीक, पुराने जमाने में लोग ऐसे ही मथते थे, अब ऐसे ही मथिए, ठीक है, अच्छे से उसको मत लीजिए। मथने के बाद आपको क्या करना है, इसमें चीनी ऐड करनी है आपको, ठीक है, ठीक है, आपको इसमें चीनी ऐड करनी है। चीनी ऐड करने के लिए आपको करना है कि चीनी को पहले ही आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है ग्राइंडर के अंदर। मैंने चीनी ली, इसमें डाल दी, ठीक है, ये मैंने इसमें चीनी डाल दी है। आप 2-3 चम्मच जितने आपको मीठा अच्छा लगता हो आप इसमें डाल सकते हैं। हम लोग पंजाबी हैं बेसिकली, तो पंजाबी लोग ज्यादा ही चीनी खाते हैं। अच्छे से इसको मत लीजिए यार, मत लीजिए इसको। अब इसको मथी हुई लस्सी में आप जो आपका ये आम है ग्राइंड किया हुआ, ये देखिए आम है ग्राइंड किया हुआ, ये आपको डाल देना है, डाल दिया मैंने। ये देखिए ये मैंने इसमें आम डाल दिया, बाकी जो आम इसमें बचा हुआ ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी लेके आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। कोई चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज को बनाने के लिए। ये देखिए वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, आपको घर से बाहर निकलना मुश्किल है, तो आपको घर में अगर आपको अच्छी अच्छी ड्रिंक्स बनानी है गर्मियों के लिए तो आप ये बना सकते हैं। ये देखिए ये सारा ग्राइंड किया आम मैंने इसमें डाल दिया है, इसमें मैंने ग्राइंड किया आम भी डाल दिया है। एक्चुअली हाथ पे लगे आम को उंगली से चाटना काफी अच्छा रहता है, और जैसे कि उसने आम भी डाल लिया और लस्सी मैंने मत ली है। अब इसके बाद चीनी भी डाल दी है, अब इसको मैं फेंटना शुरू कर देता हूँ। वैसे तो इस नेचुरल तरीके से लस्सी बनाने में काफी इंजॉय होता है। ये देखिए इसका रंग चेंज हो रहा है धीरे धीरे। हालांकि आप अगर जल्दी करना चाहते हैं, ये लस्सी बनाना चाहते हैं, तो आप इसको ग्राइंडर में भी बना सकते हैं। ये देखिए ये बन गया, और इसमें आपको बर्फ डाल लेनी है। बर्फ, ये देखिए बर्फ डाल दी मैंने इसमें। बर्फ डालने के बाद आपको दोबारा से मथना है इसको, दोनों हाथों से अच्छे से मथना आपको। ये देखिए ये आपकी लस्सी लगभग तैयार हो गई है। सिंपली बेसिकली कुछ नहीं था, अगर आप ग्राइंडर का यूज भी करते हैं तो आप पहले अपनी दही को फैट लीजिए इसमें, फिर इसमें बुरा चीनी मिलाइए, फिर मैंगो ग्राइंड कीजिए उसको मिलाइए, फिर आप बर्फ मिला दें। ये देखिए कितनी बढ़िया लस्सी तैयार हो गई है। अगर आप चाहते हैं थोड़ी इसको लाइट करना है, देखिए काफी डार्क है, तो आप इसमें थोड़ा पानी मिला दीजिए, ठीक है। ये देखिए आपकी जो लस्सी है घर की बनाई लस्सी जो है, जो मैंने इससे मथी है, हालांकि मैं ग्राइंडर का यूज करता पर मैंने उसको यूज किया नहीं। अभी देखिए अब मैं लस्सी इसमें डाल रहा हूं। ये देखिए ये लस्सी बन गई आपके एकदम देसी नुस्खे से बनाई है। चाहे तो आप आम भी इसमें ग्राइंड कर सकते थे इससे मथानी से। ये देखिए ये आपकी लस्सी बन गई है। तो गार्निश के लिए आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल लीजिए। ये देखिए ये मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिया। ये देखिए ये आप देख पा रहे हैं ये पंजाबी मैंगो लस्सी है, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप घर में इसको रेडी कर सकते हैं। आप उसको बनाइए घर में, ट्राई कीजिए कि किस तरह से आप मैंगो लस्सी बना सकते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी कि किस तरह से आप मैंगो लस्सी बना सकते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए कि किस तरह से आप पंजाबी मैंगो लस्सी घर में ही बना सकते हैं। और मैं आपको बेसिकली ये कहूंगा कि अगर आपके पास ये मधानी घर में है फैटने के लिए, तो आप इसका यूज कीजिए इंस्टेंस ऑफ ग्राइंडर के, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये लस्सी जो दही होती है अच्छी तरह से मत जाती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम।